नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर वाराणसी से। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मछुआ समुदाय के लिए बड़ी योजना दी है। इनके लिए क्रेडिट कार्ड भी दिया गया, जिसके लिए बिना गारंटी के इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। निषाद राजकोष योजना, मछुआ कल्याण कोष योजना का लाभ मिला है। मछुआ समुदाय के आरक्षण पर भी बीजेपी सरकार पहल कर रही है और जल्द ही अमल में लाया जाएगा। सरकार ने नदियों से जुलाई और अगस्त महीने में मछली के बच्चे पकड़ने पर रोक लगा दी है। वाराणसी से नेहा पाठक की रिपोर्ट। आज जय निषाद राज का नारा भी लगाया है कि निषाद राज के बिना प्रधानमंत्री कहते हैं कि भगवान राम अधूरे हैं, भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं। तो ये जो उनकी सोच थी मछली मारने की या केवट मल्लाबीन कश्यप नाथ दीवार एक बार छोटी जा, तो अंग्रेजों मुगलों ने सता के उन्हें नीचे किया था। पिछली सरकारों ने भी इनको कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। ऐसे में प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता मैं समझा। आज यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करूंगा, आशीर्वाद लूंगा और काशी की नगरी में जो रहने वाले जो मछुआरे थे उनके लिए तमाम बोट, उनके लिए मशीन को स्वचलित तमाम यहाँ का व्यवस्था को दिया है पूरा। तो हम लोगों का समुदाय रेडी है, आगे भी 2024 की तैयारी में माननीय मोदी जी को बैठाने के लिए एक कार्य योजना बनाकर आज कल मैं सबका बैठक किया था। हमको लगता है कि 3000 के आसपास कार्यकर्ता को आए थे, उनको जिम्मेदारी दे दिया कि एक एक वोट कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये हाथी साइकिल वाले उन्हें हर क्षेत्रों में हाथी साइकिल दबा दबाकर 30 साल से उन्हें हीरो बना दिया, अपने जीरो हो गए नौकरी हर क्षेत्रों में। आप मोदी जी हीरो बना रहे हैं तो आप उनके साथ रहो, हमारे समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के। और उनको बताया कि और जो जातियाँ उपेक्षित हैं 70 साल से संविधान के में मिले हुए हैं। दूसरी बात, एक आरक्षण के मुद्दे पर बोलना था कि आरक्षण की इनका व्यवस्था है कि संविधान में मझवा तुरहा गौण खरोट कोली 7 नामों से अनुसूचित है, सूची में सूचीबद्ध है, लेकिन 1991 तक इनको अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मिलता था। जिंदाबाद किनारे हमारे समाज के लोग लगा रहे हैं और आगे ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में और धन्यवाद देना था मोदी जी को कि भारतीय संस्कृति की जो स्थापना है जो डिस्टर्ब हो गए थे मुगलों अंग्रेजों के द्वारा, जो एक और पिछली सरकारों की तुष्टीकरण के द्वारा जो भारतीय संस्कृति पर जो प्रहार हुआ था उसे पुनर्स्थापित करके दिखाने का बहुत बड़ा काम है। राम मंदिर बनने के बाद देखिए झगड़े खत्म हो गए, कितनी शांति से हो रहा, धारा 370 खत्म होने से हो गया। अब काशी विश्वनाथ भी है, यहाँ भी हो जाएगा, अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। और शुरुआत हुई है तो भारतीय संस्कृति की जो पहचान है हमने देखा है कि किस तरीके से लोग इस संस्कृत को संजोए इंग्लैंड में मिले थे, वहाँ भी मंदिरों पर अपने अपने उस एसोसिएशन को बना रखा। तो आज के दिन में मोदी जी की देन है और क्या दुनिया में एक भारत की पुनः पहचान बन रही है और काशी विश्वनाथ का और दुनिया में विशेष स्थान है। तो इसी के लेके आपको एक बीच में आना था और अपने विभाग के 6 महीने के कार्य योजना के बारे में बताना था कि आगे है और आगे भी 6 महीने में बहुत कुछ होगा। 2 साल के अंदर इस मत्स्य पालन का जो क्षेत्र होगा इसे हम आत्मनिर्भर बना देंगे, इसे आंध्र प्रदेश जैसे इसे भी हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें बहुत बड़ा बड़ा काम होगा। और अब दूसरे प्रदेश से मछली नहीं आएगी, इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मछली आएगी और इन्हें रोजगार के साधन हम लोग सृजित करके दिखाएंगे। धन्यवाद। देखिए अभी मैंने पहले मंत्रालय में था, अभी 6 महीना हुआ मंत्रालय हो गया, अब इसमें जो भी 16,000 लोगों को मैंने छोड़ता रखा टारगेट, 85,000 आवेदन आ गए हैं। अभी इनको लॉटरी सिस्टम से करना है और टाइम बाउंड कर रखा है कि इतने टाइम के अंदर आपको आवेदन देखने हैं, इतने टाइम के अंदर आपको DLC करानी है, इतने टाइम 15 दिन का टाइम दिया, 45 दिन के अंदर इनको पैसा देकर इनके इनके जो व्यापार हैं व्यवसाय हैं उनको आगे बढ़ाकर काम करना है। अच्छा संजय जी, आपके बहुत करीबी मित्र हैं राजभर जी, वो उनको आज का शुद्ध देखिए अभी मैंने पहले मंत्रालय में था, अभी 6 महीना हुआ मंत्रालय हो गया, अब इसमें जो भी 16,000 लोगों को मैंने छोड़ता रखा टारगेट, 85,000 आवेदन आ गए हैं। अभी इनको लॉटरी सिस्टम से करना है और टाइम बाउंड कर रखा है कि इतने टाइम के अंदर आपको आवेदन देखने हैं, इतने टाइम के अंदर आपको DLC करानी है, इतने टाइम 15 दिन का टाइम दिया, 45 दिन के अंदर इनको पैसा देकर इनके इनके जो व्यापार हैं व्यवसाय हैं उनको आगे बढ़ाकर काम करना है। अच्छा संजय जी, आपके बहुत करीबी मित्र हैं राजभर जी,
वो उनको आज का खुद